गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज भी हम लोग उठ गए हैं सुबह सुबह। ऋषि भी उठ गया है बट अंशु नहीं उठा है। आज है अंशु लोगों का स्कूल ड्रेस। हम प्रेस नहीं किए थे, वैसे रात को ही कर देते बट हम कल रात में नहीं कर पाए थे तो अभी करना पड़ रहा है। मीठा वाला छिलका, तो नमक वाला तो हमेशा बनाते हैं ना, बट आज हम चीनी वाला छिलका बनाए हैं। ये अंशु पहले बचपन में बहुत खाता था, अंशु, रेशु और साइनी। तो अभी आज हम बहुत साल के बाद बना रहे हैं, ऋषि को देंगे, अभी ऋषि को टेस्ट कराते हैं। ऋषि चेंज करे ना, ड्रेस व्रेस पहन लेगा तो उसको देंगे। और अभी देखिए, अभी 6 भी नहीं बजा, इतना धूप है, इतना धूप। अभी 6 नहीं बजा है क्योंकि 6 बजे अंशुलू निकलता है अपने स्कूल के लिए, और अभी इतना धूप है। आज फिर हम चाय बनाए, बट ये कप में ये लास्ट कप बचा है, एक तो कल फूट गया और एक ये है बस। इस नाश्ता करो बेटा, छत पे आए हैं पानी देने, सब सूख गया है। अब इसमें फूल नहीं खिलता लग रहा, नहीं जानते हैं, हमको लग रहा है ना, रबर प्लांट में ना एसी वाला हवा ठुआ रहा, उसलिए सूख रहा है क्या? जब वो चलता है तो पूरा हवा यहीं पे आता है। उसको हटा देंगे यहाँ से, हम कल आए थे ना, देख रहे वहां से हवा सीधा यहीं आ रहा था, है ना, उसीलिए लग रहा सूख रहा है। तो अब शायद नहीं लगेगा, इसे कटिंग करना पड़ेगा क्या? तो फिर तो इसमें इसी का हवा लगेगा तो एक खराब हो जाएगा। लंबा नहीं हो रहा, बस फैल रहा है, ये चौड़ा हो रहा है खाली, लंबा नहीं हो रहा। रिका इसमें एक तो भी बैगन नहीं है इतना बड़ा पेड़ में। धूप है, हवा भी चल रहा है बट धूप भी बहुत ज्यादा है। ये सारा हम लोग का प्लांट खराब हो गया है, बट बरसात आएगा ना सारा ठीक हो जाएगा, जैसे पहले था ना वैसे ही। बस बरसात आ जाए कंटिन्यू, 2-3 दिन आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये हम लोग का सबसे फेवरेट था, पता नहीं खराब हो गया, इसको साफ भी करना होगा। सारे बैठते हैं, वो पानी पटा रहे हैं, फिर पानी पटा लेंगे फिर हम जाएंगे नीचे। एक तो छत पे से आके फ्रेश हो गए हैं क्योंकि छत पे से ना बहुत गर्मी लगा, तो हम जा रहे नाश्ता करना। मैं तो लेट हो ही जाता है ना, तो नाश्ता में पता आज तो नाश्ता में वो बनाए थे ना मीठा वाला छिलका, तो वो नहीं खाते तो हम खाएंगे दाल और रोटी। और मेरा लेट भी हो जाता है आजकल, मेरा रोज ही लेट हो जाता है। जो हम बनाएंगे अपने पसंद से वो लोग खाएगा नहीं, इसलिए मंसूरों का पसंद से बनाते कि वो लोग खाए। तो अंशु लोग फाइनली आ गया है, अंशु ऋषि आती, ऋषि फोन में लग गया है, टीमी अपना आराम में लग गई है, और ऋषि खाना नहीं खाया है, बिना खाना खाए ऋषि फोन देख रहा है। जा रहे मंसू भैया खाना दे देना, तुम अपना फिर निकाल के खाते रहना। तो ये रहा अंशु का खाना, दाल चावल आम चोखा पापड़, ये बेटा। अच्छा ऋषि ना पता आके फोन देखा, ऋषि खाना नहीं खाया अभी तक, पानी है वही बॉटल भर के रखे है हाँ। और अभी ये हम जाए ऋषि के लिए काटने, खाएगा थोड़ी देर में ऋषि तो खाएगा ही।
पापा है। हाँ 300 रुपये लगेगा, 100 रुपये दे दिए और 200 रुपये लगेगा। पीना हो गया है और बहुत जोर का बरसात हो रहा है, तो फर्स्ट इतना अच्छा लग रहा है ना बरसात हो रहा है तो, बट बहुत थोड़ा सा ही बरसात हुआ, बंद भी हो जाएगा, लेकिन चलो शुरू तो हुआ बरसात हुआ, पेड़ हम लोग का ठीक हो जाएगा ना, सारा पेड़ सब सूख गया है, हल्का हल्का ही हो रहा है, बट हो रहा है बरसात, बस कंटिन्यू 2 दिन पड़ जाए ना तो हम लोग का सारा प्लांट ठीक हो जाएगा जिम, और उसको बॉटल भर के हम देंगे, अंशु अपने से भर सकता है बेटा, उतना धीरे से नहीं, प्लीज भर दो जो। क्या भर दे, पानी ऊपर दो निकाल दे, स्प्रिंग निकाल दे क्या इसका, ना उसमें रहने दे, अंशु का ये रहा बॉटल, फिर ये वाला रहा, इसमें जाएगा ये स्प्रिंग, फिर उसके बाद जाएगा ये वाला, फिर इसके बाद ये ढक्कन, धो लेते हैं, उसके बाद ये ढक्कन क्या बंद, तो इसमें स्प्रिंग हिल, अब आवाज नहीं कर रहा है, ले सुनो डाल दो, लेकिन बैग में नहीं आता, ये तो भारी है, क्या मतलब, तो तुम ने बोला भर दो तो पूरा भर दिए, निकालने ना बोले थे, नहीं पापा बोले उसी में रहने दो, तो भी नहीं निकालने, लगाए उसे नहीं, तुमको नहीं आता ना, कैसे लगता है, हाँ ऐसे तो लगाए थे हम, नहीं बेटा वो ऐसे ही था जैसे जैसे हम रखे, बीस रुपये दे दे, आज अंशु अपने पापा के साथ जा रहा है ट्यूशन जिम, पापा के साथ ही ठीक जाता है, तो अंशु रेशु दोनों यहाँ पे ट्यूशन चला गया, पता हम बोर होते हैं तो क्या करें, हम तो चलो किचन में ही काम कर लेते हैं, किचन में ना छोटा छोटा बहुत सा काम होता है, खाना बनाने के अलावा भी बहुत सा काम होता है, बस वो छोटा छोटा काम करते हैं, अकेले ना थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी अपना काम करते रहते हैं तो ठीक रहता है, अब बहुत सा काम रहता है जो हम ब्लॉग में नहीं दिखाते, छोटा छोटा काम सब, और तो बस ऐसे ही, चलिए हम सोचे चलो लंच ही डिनर ही बना लेते हैं अंशु रेशु के आने से पहले, वो लोग आएगा तो फिर उन लोगों के साथ थोड़ा सा बैठेंगे, तो चलिए बात करते करते मैं रोटी और सब्जी सब बन गया, तो आज हम ना छोला बनाए थे, सुबह भिगा दिए थे छोला, तो छोला रोटी बनाए थे और ना थोड़ा जल्दी ही बना लिए क्योंकि रात में थोड़ा शाम को ना बहुत गर्मी लगता है, तो मेरा बात करते करते खाना ही बन गया, मेरे किचन का सारा काम हो गया और अब आराम से थोड़ा बैठेंगे, तभी ना शाम को छत पे आए थे, इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना, मतलब बादल लगा है, कितना अच्छा लग रहा है देखिए, मतलब बहुत सुंदर, ये देखो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन वहाँ पे देखिए ना एकदम, हाँ वहाँ पे, यहाँ पे तो रेड रेड है, फिर ऐसे बादल जा रहा है, नहीं बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ पूरा बादल जमा है, यहाँ पे बारिश आएगा, इधर भी तो पूरा 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 अंधेरा, वहाँ से अभी अंधेरा होगा, हम लोग का सूरज वहाँ पे चला गया, देखो वहाँ पे भी थोड़ा धूप होगा वहाँ पे, हाँ थोड़ा सा उसलिए तो वहाँ पे येलो लग रहा है ना, मतलब थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है, तो कसम से बहुत अच्छा मौसम है ना ऋषि, हम अभी नीचे किचन में आए थे तो हमको दिखा, तो मम्मी को बोले कि ऊपर आने, किचन से देखा इतना अच्छा मौसम, हाँ वाह बहुत सुंदर लग रहा, हवा भी चल रहा है, अब हम लोग का सारा प्लान ठीक हो जाएगा, सारा हाँ, खराब हो गया, धूप से हो गया था, अब ठीक हो जाएगा,
ये रहा मेन, तो ये सब में हुआ ना, अरिका सब में। देखिए सबसे खराब हो गया था ये, बरसात में ही ठीक, ये वाला पत्ता भी ठीक है थोड़ा थोड़ा, अब इसमें थोड़ा अभी तो बारिश आया था, थोड़ा थोड़ा इसलिए भीगा है। हाँ अब तो जुलाई आ गया ना, अब तो फिर ठंडा पड़ने के लिए। चलिए नीचे चलते ओके। तो गाइस यहाँ पर मम्मी है, यहाँ पर खाना दे रही थी हम लोग को, सब्जी और रोटी खाना था। रोटी ना बेटा, टेस्टी। रिशु खा रहा है क्या? नहीं खा रहे। आओ झगड़ा और था, छोड़ो कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग अपना खाना कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपको कल के लिए। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो मिलते हैं कल।